कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष विजय जैन साहब, महेंद्र अलापता जी, हेमंत बाटी जी, रामनारायण जी, महेंद्र जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी साहब, शोभा सोलंकी जी, मनीष यादव जी, सुचित्रा आर्य जी, विद्याधर चौधरी साहब, सुरेश चौधरी जी, पाल जी, ओम प्रकाश जी, चुनीलाल राजपुरोहित जी, मेरी आवाज पीछे तक आ रही है आप लोगों को? साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस भीषण गर्मी में, मई के महीने में, दोपहर को 1 बजे आप सब हमारी जन संघर्ष यात्रा के शुरुआत में, दोस्तों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं भाई, आप सब जानते हैं राजनीति में कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं। और आप सब ने ये भी देखा 2013 में जब चुनाव हुए, हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब लोग बुरी तरह हारे। और 2013 से लेके 2018 तक जो समय था, वो समय हम सबके विपक्ष में रहने का था। हमने विपक्ष में रहकर जो उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके पास इतना बहुमत था, जो आजादी से लेकर अब तक इतना बहुमत किसी के पास नहीं रहा। 200 में से 163 विधायक बीजेपी के हुआ करते थे। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लगातार उस शासन में जो गड़बड़ियां थी, उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है, वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ, और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मान्य अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे, बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में घोटाला हुआ, 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब घोटाला हम लोगों ने पकड़ा तो सारी लीज कैंसिल कर दी, लेकिन लीज कैंसिल करने से अपराध कैंसिल नहीं होता। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी, सीबीसी की मांग करी, सीएजी की मांग करी, हम लोग दिल्ली गए और हमने मांग रखी थी कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया और राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी सिमटकर सिर्फ 21 सीटों पर रह गई थी, आप कल्पना करो, हम सत्ता में थे और 20-21 सीटों पर आ गए थे। वो समय मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे तमाम साथियों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए, ये आश्वासन दिया जनता को कि सत्ता में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
अभी दो दिन पहले कर्नाटक में चुनाव पूरे हुए, वहां की भाजपा सरकार को हम सब ने कहा और सही कहा कि ये 40% की सरकार है, ये कमीशन खोर सरकार है। और उसी का कारण है जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है। हम भाजपा को इसलिए हजार किया, कांग्रेस हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको, मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा, मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा, चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया। मौन व्रत रखा और एक दिन का अनशन किया, यह कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले, जबान की कीमत होती है और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा, स्वर्गीय पायलट साहब कई बार मंत्री रहे, मेरी मां सांसद विधायक रही। पिछले 45 सालों से हम राजनीति में, हमारी निष्ठा पर, हमारी ईमानदारी पर हमारे विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। और आप लोग तो अजमेर के नागरिक हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंबा समय राजनीति हम लोगों को हो गया, बड़े बड़े पदों पर रहे, पायलट साहब भी रहे, मैं भी रहा, एक फूटी कौड़ी का आरोप लगाए जाते हैं, और आरोप किन पे लगा रहे हैं? हेमाराम चौधरी जी पे लगा रहे हैं, जो इंदिरा जी के समय जेल गए, जो 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके जवान बेटे की मौत की याद में उन्हें 100-100 करोड़ की जमीन जनता के नाम दान कर दी है। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर गया था, उनके पुत्र के नाम पर उन्होंने एक हॉस्टल बनाया, साथियों 5 मंजिल का हॉस्टल है, 150-200 बच्चे वहां पर रहेंगे, गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उस हॉस्टल का निर्माण किया है। ऐसे लोग जो 40 साल से राजनीति में, जिनका दामन बिल्कुल पाक साफ है, उन पर जब आरोप लगते हैं, ओला साहब का परिवार सुन सत्ता में जो चुनाव लड़ रहा है, हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज जवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, मैंने 2 दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी,
आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई मौजूद है आज तो हमारे नौजवान हैं। इन नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें नौजवानों का विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरएज हो जाएं, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं है। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, जन संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है, जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं, ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला
मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। धन्यवाद।